हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंडियन नेवी का जो ट्रेडमैन का वैकेंसी आई थी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका एग्ज़ाम डेट क्या था, उसका रिज़ल्ट कब आ सकता है और सबसे बड़ी बात आंसर की आएगा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं और बॉम्बे वालों का रिज़ल्ट, बॉम्बे वालों का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। सब शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए जिससे हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। सो आइए देखते हैं, जो टोटल वैकेंसी थी वो 1159 थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1159 थी। उसके बाद जो वैकेंसीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट कमांड सेंटर में डिवाइड थी। ठीक है, सो उसके लिए जो एज ग्रुप रखा गया था 18 से 25 था जो एलिजिबल थे। और जो उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो आपका जो 22 फरवरी 2021 से लेके लास्ट डेट जो था वो 7th of March 2021 था लास्ट डेट। ठीक है, अब देखिए जो कमांड वाइज जो दे रखा था आपका पोस्ट के लिए, उसमें 710 था ईस्टर्न में, वेस्टर्न में आपका 324 और साउथ में 125 पोस्ट था। ठीक है, और उसके बाद जो होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका नॉर्दर्न है वहाँ कोई कमांड नहीं होता है क्योंकि उधर कोई शी या ओशियन नहीं है। ठीक है, उसके उस कारण से वहाँ पे कोई कमांड नहीं होता है। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या था, एजुकेशन क्राइटेरिया। तो 10th पास होना चाहिए अलॉन्ग विथ आपका ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया था। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जब आपका कम्प्लीटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद। सो उसके बाद हम देखते हैं क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के पूछे गए थे, जो कि रिटेन में था। जनरल इंटेलिजेंस था आपका 25 मार्क्स का, एप्टीट्यूड था 25 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन था 25 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस था 25 मार्क्स का। टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है, जो कि इस बार अनुमान है। देखिए कट ऑफ जो होता है हम किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कट ऑफ अगर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ज़्यादा हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर। ठीक है, उसके बाद होता है कि आपके आपके जो कैटेगरी है उसमें कितनी सीट थी, उस पर कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो इसमें देखते हैं कि जो जनरल के लिए जा सकता है वो 70 से 72 जाएगा। EWS का देख सकते हैं जो 60 से 62 जाने की चांसेस हैं पूरे, जो अभी तक हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से तो यही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं OBC के लिए वो आपका 62-68 जा सकता है, 66-68 जा सकता है। SC के लिए 58-60 जा सकता है और ST के लिए 56-57 जा सकता है। एक और बात ध्यान रखने की बात है, जो अटेंडेंस वहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, वो है अप्रॉक्स 70%। देखिए ये चीज़ें जो डेटा मैं दे रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है और आपको इस पे विश्वास रख सकते हैं क्योंकि ये जो मैंने जहाँ से लिया है वहाँ से बिल्कुल फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। सो 70% अटेंडेंस है। ठीक है, उसमें भी जो होता है वो आधे बच्चे वो होते हैं जो कि ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है एग्ज़ाम से, बस उनको देखना होता है। ठीक है, जो आते कंपटीशन होता है तो बिल्कुल वो आपका लगभग हाफ से हाफ बच्चों में होता है। ठीक है, 1/4 समझ लीजिए एक तरह से। सो आगे हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, देखिए पहला चीज़ नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या होता है कि अगर आपके डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है पेपर, ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन अगर डिफरेंट शिफ्ट में अगर पेपर हुआ है इसका मतलब पेपर का लेवल भी अलग अलग होगा। सो लेवल अलग अलग होने के कारण आप इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं बन पाता है, सबको एक जैसा क्वेश्चन का नहीं मिल पाता है, इस कारण से नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे रोल में आता है। जो आपका एग्ज़ाम था 20 था 21 था, ठीक है, सो इस कारण से अब बॉम्बे वालों का पेपर हुआ नहीं है अभी, तो नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अटेंडेंस हो गया, आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया और नॉर्मलाइजेशन लास्ट में बोर्ड पर डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे आंसर की के बारे में भी। सो पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि अगर आप सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। 10th का मार्कशीट आपका रिक्वायर्ड होगा, ITI का मार्कशीट होगा, उसके बाद होगा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत जल्दी होता है इसका सारा कुछ सारा प्रोसेस। सो ये तीनों चीज़ें रेडी रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो बॉम्बे वालों का है उनका पेपर कब होगा। ठीक है, तो उनका पेपर का अभी डेट आया है कल ही, सो उसके बारे में हम बात करेंगे कि
जो तीन सेंटर्स हैं जो मुंबई, पुणे और नागपुर, ठीक है, इनका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 72 घंटे पहले होगा और 11 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया 11 अप्रैल को। सो ये तो टोटल हो गया हमारा जो सिनारियो है वो है। अब हम देखते हैं कि आंसर की और रिज़ल्ट। देखिए आंसर की जो है, जो आंसर की है वो आपका आएगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है बोर्ड पे। लास्ट टाइम नहीं दिया गया था जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो नहीं हुआ था। आपका कट ऑफ भी नहीं दिया जाता है, सीधा सीधा आपका रोल नंबर होता है, तो आपको कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं हम लोग। सो कट ऑफ वहाँ पे नहीं देता था लास्ट ईयर भी। अब पता नहीं इस बार आंसर की रिलीज़ किया जाएगा कि नहीं, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर के बारे में। अगर आता भी है आंसर की तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 20 अप्रैल तक आ सकता है आंसर की, ठीक है, 20 या 18 अप्रैल के आसपास, 15 या 20 के बीच में आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिजल्ट या तो अप्रैल के लास्ट में आएगा, याद रखिएगा, या तो मई के फर्स्ट वीक में आएगा, और रिजल्ट आते ही 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका DB होगा, ठीक है। ये सब पूरा सिनारियो जो मैंने आपको बताया है वो इसी हिसाब से चलेगा। उसके बाद जो लास्ट टाइम हुआ है उस हिसाब से आज इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि इस बार कोविड है, अलग अलग शिफ्ट में भी होने लगा है पेपर। लास्ट टाइम भी ऐसा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा फैक्टर होता है जो बोर्ड पे डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो देखिए लास्ट में उन्होंने क्या डिसाइड किया है। वैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो, और उन्होंने RTI लगाया है, सो देखते हैं उनका रिप्लाई क्या आता है। जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हम पे जुड़े रहें और हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। सो इससे इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि हमारा लिंक बना रहे और हम ऐसे ही इन्फॉर्म करते रहें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।